हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी और स्वस्थ होगी। आज का जो रेसिपी है सीस एग ब्रेड रेसिपी, और ये नाश्ता का रेसिपी है मेरा फ्रेंड्स। क्यों ना आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा मेरा फ्रेंड्स। और बहुत टेस्टी रेसिपी है और खाने के लिए भी स्वादिष्ट रेसिपी है, और आप लोग भी एक बार फैमिली के साथ ये रेसिपी खा के इंजॉय कीजिएगा। और देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है मेरा फ्रेंड्स, ये देखिए लुक भी बहुत सुंदर हुआ है और टेस्ट भी बहुत सुंदर होता है मेरा फ्रेंड्स। सो आइए बिना देरी के रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रेड लिया है और ब्रेड को इसे राउंड करके काट लगाना है। ये देखिए जो बीच वाला है ना, आप लोगों को बाहर निकालना है। ये देखिए आप लोग को बीस वाला ऐसे सारा ब्रेड को, जितना ब्रेड आप लोग बनाएगा उतना ब्रेड आप लोग को बीस वाला जो है ना आप लोग को निकाल के रखना है। और देखिए मैंने निकाल के रेडी कर लिया, और उसका बाद इस पर ऐड करूंगी टोमेटो, हरा मिर्चा और प्याज। आप लोग को बारी बारी करके काट लेना है। अब टोमेटो को भी आप लोग को छोटा छोटा करके आप लोग को काट के रेडी कर लेना है। पूरा छोटा करके आप लोग काटिएगा। और देखिए मैंने काट के रेडी कर लिया। अभी मैं तीन अंडा लिया हूँ और अंडा को टूटा के रेडी करना है आप लोग को। ऐसे बाटी लेना है, बाटी पर ऐड करना है अंडा को। और इस पर जो बारी कटा हुआ टोमेटो को मैंने ऐड कर दिया, और हरा प्याज और हरा मिर्चा जो काटा हुआ था मैंने ऐड कर दिया। इस पर थोड़ा सा आप लोग को स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। अभी इसी तरह से आप लोग को सेट करना है। और देखिए मैंने सेट करके रेडी कर लिया। अभी मैंने बटर लिया है और चीज लिया है, आप लोग को मार्केट पर मिल जाएगा। देखिए मैंने बटर और चीज को बाहर निकाल कर रेडी कर लिया। उसका बाद मैंने गैस को ऑन कर दिया, और गैस ऑन करने के बाद मैंने एक कढ़ाई बैठा दिया, और कढ़ाई पर मैंने सबसे पहले बटर को ऐड कर दिया। कढ़ाई पे आप लोग को ऐसे बटर को ऐड करना है, और अभी मैंने बटर को ऐड कर दिया। अभी जो मैंने ब्रेड को रखा था वो ब्रेड को मैंने ऐड कर दिया। अभी जो मैंने अंडा को रेडी करके रखा था वो अंडा को आप लोगों को बीच पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और देखिए मैंने ऐड कर दिया, और अभी जो मैंने बीस वाला जो ब्रेड काट के रखा था वो आप लोगों को बीस पर ऐड करना है।
और अभी इसका ऊपर पर आप लोग को जो शीश है ना वो ऐड करना है, क्यों ना इस रेसिपी पे शीश ऐड करना पड़ेगा, तब खाने के लिए टेस्ट होता है मेरा फ्रेंड्स और स्वाद होता है। देखिए मैंने ऐड कर दिया और अभी आप लोग को ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके अंडा को ऐड करना है। और देखिए फाइनली मेरा रेडी होने वाला है रेसिपी। और ये रेसिपी नाश्ते पे बहुत फेमस रेसिपी है और नाश्ता में अगर एक बार आप लोग बनान से ना वो बार बार मांग के खाएगा मेरा फ्रेंड्स, इतना टेस्टी और इतना स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। और 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया और अभी मेरा 2 मिनट हो गया है। अभी देखिए मेरा रेसिपी रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स और अभी आप लोग बाहर निकल के सॉल्व कर सकता है मेरा फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है। और मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, एक ऐसे आप लोगों को ब्रेड लेना है, इसका 20 पर आप लोगों को बटर ऐड करना है और थोड़ा सा अंडा ऐड करना है, ऐसे भी आप लोग बना के खा सकते हैं मेरा फ्रेंड्स। और 20 पर जो कटा हुआ ब्रेड को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो मैंने शीश रखा था शीश को मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा थोड़ा करके शीश पर आप लोग अंडा ऐड करना है। और इसका ऊपर में एक आप लोग को ब्रेड को ऐड करना है और अभी उसका ऊपर में थोड़ा करके अंडा ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड कर दीजिएगा तब देखने के लिए सुंदर होगा और खाने के लिए भी टेस्टी होगा मेरा फ्रेंड्स। और 2 मिनट के लिए मैंने ढकनी लगा दिया और देखिए 2 मिनट मेरा हो गया है। एक बार आप लोग को पाल्टी करना है, देखिए एक बार आप लोग को ऐसे पाल्टी करना है, दोनों तरफ अच्छी तरह से आप लोग को कुक करना पड़ेगा। और देखिए मेरा कुक अच्छी तरह से हो गया है और अभी आप लोग सॉल्व कर सकता है मेरा फ्रेंड्स। देखिए ऐसे भी आप लोग बना के खा सकता है। और देखिए फाइनली मेरा रेसिपी रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स और अभी आप लोग सॉल्व कर सकता है। और रेसिपी कैसा हुआ है मुझे कमेंट करके बोलना है मेरा फ्रेंड्स। और रेसिपी लास्ट तक आप लोग को वीडियो को फॉलो करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आय अहोम।